तो चलते पहली न्यूज की तरफ, तो बात करेंगे दैट इंडियन गीक करके यूट्यूब चैनल है, तो उन्हें एक वीडियो निकाला रचित रोजा को लेकर। तो उन्हें अपने वीडियो का टाइटल ये दिया, रचित रोजा सीईओ ऑफ क्रिंज भाई बहन का वीडियो। तो वो अपने चैनल पे ज्यादा करके भाई बहन का वीडियो निकालते, उसी को लेके वो एक तरफ से एक्सपोज किया उन्हें अपने वीडियो में। फिर उन्हें बात की थी लक्ष्य चौधरी को लेके, तो उन्हें बताया था कि लक्ष्य चौधरी और रचित रोजा के बीच में कंट्रोवर्सी हुआ था स्मॉल, उसको लेके उन्हें बात की थी कि रचित रोजा जो है बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते कोई भी बात को लेके। तो अगर आप लोगों को पूरा वीडियो देखना रहेगा तो लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर मैं चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको वो वाला पार्ट दिखाता हूं जिसमें उन्होंने बात की थी लक्ष्य चौधरी को लेके, तो आप लोग भी देखिए। लक्ष्य चौधरी के साथ उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी और मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन रचित भैया एंगेजमेंट की बात कर रहे थे बहुत। हैशटैग फेक सब्सक्राइबर 1 मिलियन के यूट्यूब चैनल पे तेरे लाइक्स कितने आ रहे हैं, और एक बार जाके हमारे लाइक्स चेक कर। तो यूट्यूब की एंगेजमेंट चेक कर, मतलब ठीक है अगर तेरा कॉन्टेंट अच्छा कर रहा है यूट्यूब पे, अच्छी बात है, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। बट अगर यार ऐसा एंगेजमेंट, ऐसा व्यूज टू लाइक रेशियो मेरा आ रहा हो तो मैं भी 3 बार सोचूंगा बोलने से पहले। यार तू कौन होता है हेट बढ़ाने वाला भाई, हमारे ना लवर्स इतने ज्यादा है, तेरी फालतू की हेटर्स कम्युनिटी ना हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। आई मीन ऐसी वीडियोस की वजह से आजकल ऑर्गेनिक रीच काफी ज्यादा डाउन हो रही है, क्योंकि इफ दीस पीपल आर गेटिंग सो मेनी व्यूज अपनी वीडियोस पे और उसका लाइक रेशियो इतना सा है, एंड इट इज सैड कि यूट्यूब एंगेजमेंट के बेसिस पे ट्रेंडिंग पे डालता है, एंड इसकी हर वीडियो ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग पे जाती है, ये एंगेजमेंट चाहिए क्या ट्रेंडिंग? तो अभी तक मुझे कोई रचित रोजा की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं मिला कि उनके कोई रिप्लाई दिया कुछ, तो कुछ भी रहेगा तो मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको बताते रहूंगा। तो अभी चलते नेक्स्ट न्यूज की तरफ, वही बात करेंगे स्काउट के बारे में। तो स्काउट ने एक स्टोरी डाला जिसमें उन्होंने बताया कि वो अभी से कोई भी फैन पेजेस को सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ भी रहे वो अभी सपोर्ट जरा भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो फैन पेजेस को सपोर्ट करते और प्रमोट करते तो वो फैन पेजेस बाद में बढ़ जाते, ग्रो हो जाते, उसके बाद में वो किसी और को बेच देते कुछ पैसों के लिए, फिर उसमें गंदे कमेंट और पोस्ट आने लग जाते, फिर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्काउट के ऊपर ही जाता है। तो लेकिन उन्हें अभी स्काउट ने पूरा क्लियर किया था कि अभी से मैं कुछ भी नहीं सपोर्ट करूंगा, कुछ भी अभी पोस्ट आए कोई भी फैन पेजेस में उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो आप लोग भी स्काउट का रिप्लाई देखो। अभी चलते नेक्स्ट न्यूज कर, वही बात करेंगे ठगेश के बारे में। तो आप लोगों को पता है मुंबई का निखिल का जब सॉन्ग आने वाला था इश्क परस्ती, तो उसका थंबनेल चुरा के सब बोल रहे थे कि मुंबई का निखिल का सॉन्ग आ गया आ गया है। तो ठगेश के साथ में भी सेम ऐसी हो रहा है, उनका थंबनेल चुरा के सब बोल रहे कि ठगेश का सॉन्ग अभी आ चुका है। तो ठगेश जब चेक कर रहे थे बोला था कि सॉन्ग कब आ गया मुझे पता भी नहीं चला और ये सारे फेक है, जब अंदर उन्हें क्लिक किया तो कोई और ही सॉन्ग चल रहा था। तो आप लोग भी ठगेश का स्टोरी देखो, आप लोग समझ जाएगा। ये गाना किधर से आया भाई, ये अभी तक तो रिलीज भी नहीं हुआ, ये किधर से आ गया, ये कौन सा ठगेश है भाई, अलग ही स्कैन करते हैं भाई पब्लिक। तो ठगेश का सॉन्ग जो है वो कल रिलीज होने वाला है, और मिस्टर फैजू और जन्नत जुबेर का भी सॉन्ग रिलीज होने वाला है टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर कल 21 दिसंबर को, और एमयू बंटाई का भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन सॉन्ग आने वाला है आज शाम 5 बजे। तो जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उनका सॉन्ग आ जाएगा, तो लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की, वही बात करेंगे नेहा कक्कर और उनके हस्बैंड रोशनप्रीत सिंह। दरअसल नेहा कक्कर ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया था जिसमें काफी लोग को लगा था कि नेहा कक्कर जो है प्रेग्नेंट है, फिर वो एक्चुअली वो सॉन्ग का पोस्टर था, लेकिन काफी लोगों ने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन किया था उनके कमेंट बॉक्स में, आप लोग देख सकते हो आ रहा रहेगा बहुत सारे। फिर उन्होंने वही सेम पोस्ट वापिस से पोस्ट किया, उसमें लिखा है ख्याल रखिया कर रिलीजिंग ऑन 22 दिसंबर, मतलब इस सॉन्ग का पोस्टर था। तो यहाँ पर जो है अभी सबका पागल बन चुका है। तो अभी चलते नेक्स्ट न्यूज कर, वही बात करेंगे आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी का जो वीडियो आया था ऑफिस एग्जाम और वैक्सीन, फिर उसके बाद में आया था द डीलर एसीबी हटके, तो ये दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया ये वाला सस्ता बिग बॉस। तो उसी को लेकर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाला और ये वाली वीडियो ने 21 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिया इन जस्ट 3 डेज। तो यार मेरे साइड से मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा आशीष चंचलानी की टीम को, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड। तो अभी चलते नेक्स्ट न्यूज कर, वही बात करेंगे एलवी साधु के बारे में। तो एलवी साधु का जो है लगता है मेन चैनल के लिए वीडियो का शूट चालू हो चुका है, उसको लेके उन्होंने स्टोरी डाला डे वन। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, वही बात करेंगे कैप्टन इंडिया के बारे में। तो उनको जब पता चला कि कैरी मिनाटी जो मूवी में आने वाले डेब्यूट फिल्म के लिए अजय देवन और अमिताभ बच्चन के साथ में, जिसमें वो अपना कैरेक्टर खुद प्ले करने वाले कैरी मिनाटी का, तो उसी को लेकर कैप्टन इंडिया ने जो है कैरी मिनाटी को बहुत सारी गुड विशेष दिया उनके आने वाले फिल्म को लेकर। तो आप लोग भी वो स्टोरी देखो। तो
मैं वेकेशंस में था 2 दिन के लिए, जस्ट रियली वांटेड टू टॉक अबाउट दिस रियल क्विक। रीसेंट न्यूज जो आ रही थी, कैरी मिनाटी गॉट हिज डेब्यू फिल्म विद अमिताभ बच्चन एंड अजय देवगन। देखो ओपिनियंस कितनी भी डिफरेंट हो और कितनी चीजें से मैं अग्री उसकी करता हूँ या ना करता हूँ, वन थिंग की इट इज अ वेरी ह्यूज डील फॉर टीम यूट्यूब गेटिंग अ मूवी अजय देवगन एंड अमिताभ बच्चन के साथ, काफी बड़ी चीज है। मेरे को पता है अर्ज बेनीवाल ऑलरेडी डिड दैट, बट एक चीज जो मेरे को काफी ज्यादा स्टैंड आउट करेगी, जो कैरी की फिल्म है, कैरी इज आस्क्ड टू प्ले हिज ओन कैरेक्टर, ये काफी काफी ह्यूज डील है। जैसा वेस्टर्न यूट्यूब पे लोगन पॉल, ये लोग जो अभी मेवेदर वगैरह से अपनी वो फाइट वगैरह कर रहे हैं, उनसे जो उनका यूट्यूब है उसकी बाउंड्रीज बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो रही है, एंड सेम कैरी कर रहा है यहाँ पे, लाइक ही इज एक्सटेंडिंग बाउंड्रीज फॉर अस क्रिएटर्स। वो हम जो बाकी के क्रिएटर्स हैं उनके लिए एंडलेस अपॉर्चुनिटीज ला रहा है, लाइक फाइनली इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया, हाँ सो स्टोरी कट गई थी, मैं बोल रहा था कि फाइनली इंडिया की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, दे आर रिकॉग्नाइजिंग कि यूट्यूबर जो इंडिया के, उनमें भी पोटेंशियल है, उनका इन्फ्लुएंस होता है बॉलीवुड सेलिब्रिटी जितना, एंड काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे वेस्टर्न तुम्हें पता होगा, वो हॉलीवुड TMZ वो सब जो है, दे नो कि यूट्यूबर्स का पोटेंशियल है बाहर, एंड फाइनली अभी इंडिया में भी होगा। वेरी एक्साइटिंग एंड ऑल द बेस्ट टू कैरी, इट्स अ वेरी मैसिव डील, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट। अभी चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वही बात करेंगे बादशाह बाजी के बारे में। तो बादशाह बाजी का भी न्यू सॉन्ग का पोस्टर अभी आउट हो चुका है, तो अभी तक उसमें रिलीज डेट वगैरह नहीं दिया है, कुछ भी अपडेट रहेगा तो मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको बताते रहूंगा। सो आई होप गाइस आप लोग आज का वीडियो पसंद आ रहेगा, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और आप लोग ऐसे ही डेली सोशल मीडिया रिलेटेड अपडेट चाहिए रहेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसी मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।